चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी बहुत ही चार्मिंग दिखे तो उसके लिए आपको चार्म लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ नवरात्रि कलेक्शन और उसमें भी चार्म जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सो हे एवरीवन, मैं हूँ विश्वा मोदी, मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ। अब तक मैंने 5000 प्लस लेडीज को सक्सेसफुली ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करवाने में मैंने उनकी हेल्प की है। तो मैं आप सबके लिए फ्री मास्टर क्लास कंडक्ट करने जा रही हूँ, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से आप क्लिक करके मेरा फ्री मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। सो एक्साइटेड टू मीट यू इन लाइव। तो चलिए, आज का जो कलेक्शन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सब आप हमारी वेबसाइट chahu.in से परचेस कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बट उससे पहले आप देख लीजिए कि ऊपर एक लिंक है, ऊपर एक कूपन कोड है, तो आप हमारी वेबसाइट पर फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप किसका वेट कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए अच्छे वाले चार्म्स आए हैं जो अलग अलग साइजेस में हैं, वो आपको मेंशन किया गया है वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हम पिकॉक वाले चार्म्स देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये हाथ वाले जो आते हैं वो चार्म्स भी है। ये एज अ बीड आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे होल्स दिए गए हैं। जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये एलिफेंट वाला चार्म। इसके अलावा फिश दो तरह की है, ये थोड़ी 3D टाइप है, दूसरी जो है वो फ्लैट आएगी, बट ये जो फिश है ये थोड़ी उभरी हुई है और इसमें भी यहां से आप तार या डोरी जो भी है वो पास कर। यहाँ पे ये पंखुड़ी जो भी आते हैं वो है, बट यहाँ से डायरेक्टली आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, चेन या इयररिंग में भी हैंग कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं तो मैं आपको क्विकली दिखाऊंगी और दूसरा आप वेबसाइट पर भी डायरेक्टली भी देख पाओगे। तो ये कुछ इस तरह का बीड है और जितने भी चार्म्स और मैं सारी चीजें दिखा रही हूँ उसमें कुछ बीड्स भी हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि 10% फ्लैट आपको ऑफ मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी उससे मिस मत करिए। और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ ये देखिए, ये है गिन्नी जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है और ये अच्छे खासे बड़ी साइज में भी है ताकि और ज्यादा ब्यूटीफुल भी दिखे। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ इस तरह का भी चार्म है। और ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये किस तरह से यूज होता है वो मैं आपको यहां से दिखाऊंगी। आप यहाँ पे 2 लेयर का पूरा नेकलेस बना सकते हैं और यहां से अपना धागा और तार पास कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा वाला यूजफुल चार्म रहेगा जिससे आप बहुत ही अच्छा वाला नेकलेस बना पाओगे। नाउ ऐसा ही सेम पीस में दूसरा भी आपको दिखाना चाहूंगी जो कि कुछ फ्लावर टाइप है, ये देखिए। नाउ इसमें भी सेम वैसी ही चीज है कि आगे से आपको एकदम प्रॉपर फ्लावर दिखेगा बट बैक साइड पर इस तरह से होल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 लेयर का नेकलेस बना पाओगे, कुछ यहां से और यहां से धागा पास कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे पूरा नेकलेस आपका बनेगा और आगे से बहुत ही प्यारा सा फ्लावर दिखेगा। नाउ अगेन एक दूसरा एलिफेंट यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे आप एक स्टोन भी लगा सकते हैं। ये है कुछ बीड्स जो कि बहुत ही अच्छा और हैवी है। नाउ मैं एक और चीज बता दूं कि आप कहीं से भी और वेबसाइट या कहीं पे भी देखोगे तो नॉर्मली पीस के वाइज उसकी प्राइस डिपेंड होती है, बट आपको हमारी वेबसाइट पर ये सारे चार्म्स वजन के ऊपर मिलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये एकदम रीजनेबल रेट में आपको मिलने वाले हैं, मिस मत करना। ओके, नाउ ये बीड्स है और ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। ये देखिए, इसके ऊपर गणेशा बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एकदम हल्का है, ये अच्छा खासा हैवी है, वेट में भी बहुत ही अच्छा वाला फिनिशिंग भी है। इसके अलावा हमारे पास ये गोल्डन वाले ऑलरेडी थे और मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया था, गोल्डन कलर का बीड था, बट ये
सिल्वर में भी आया है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ी साइज का बीड है, तो इससे भी आप अच्छा नेकलेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। ओके, तो ये है कुछ बटरफ्लाइज, ये फिश ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। मैंने दूसरी जो फिश बोली थी वो बैक साइड से एकदम फ्लैट है, कुछ इस तरीके से है। एंड ये टर्टल है जिसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, मतलब दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। और ये एक तीसरा जो एलिफेंट है वो अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे जो राउंड आप बीच में देख रहे हैं वहां पे आप एक बीड लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ से आप डोरी पास करिए, बीच में एक मोती आएगा और यहाँ से भी आप धागा निकाल सकते हैं। तो इसका आप एंकलेट या ब्रेसलेट या नेकलेस कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जितने भी चार्म्स दिखाए हैं ये सारे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत ह्यूज वैरायटी में ज्वेलरी रॉ मटेरियल मिलेगा हमारी वेबसाइट से, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करिए और अभी परचेज करिए। और यस, मिलते हैं लाइव वेबिनार में, उसको मत भूलना, ठीक है? सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।